मोस्ट ऑफ द टाइम हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं या क्या नहीं, और कुछ डिफरेंट खाने का भी मन होता है। सो आज मैं आपको वेज रैप या फ्रूट वेज रैप बनाना बताऊंगा। फ्रूट रैप बनाने के लिए मैंने पहले से बने रोटी को लिया एंड उसको 1/4 पार्ट में कट कर लिया। फिर उसमें स्टफिंग के लिए कीवी, पाइनएप्पल, एप्पल, बनाना एंड थोड़े से स्वीट कॉर्न यूज किए। एंड एवरी फ्रूट में डिफरेंट विटामिन भी होते हैं। इन सबको कट करके प्रॉपर सेपरेट सेपरेट पार्ट में रोटी पर लगा लिया। एंड अब इसके सिंपल वन पार्ट से इसे फोल्ड करके इसको रैप कर लिया। अब हम वेज रैप बनाने के लिए एक और रोटी लेते हैं और उसको 1/4 कट कर लेते हैं। एंड देन जो भी वेज घर पर रखे हों या जो भी आपको टेस्टी लगती हो उनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने गोभी, बड़ी वाली मिर्ची, प्याज, टमाटर, आलू, खीरा एंड स्प्राउट को यूज़ किया। इन सबको प्रॉपर सेट करने के लिए इसमें चीज़ का भी यूज़ किया है। इससे स्टफिंग तो अच्छे से हो ही जाती है एंड अलग से टेस्ट भी बन जाता है। मैंने ये रैप फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के यहाँ टेस्ट किए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। सो ये वेज एंड फ्रूट रैप को अब हम ग्रिल कर लेते हैं। वेज वाले को ग्रिल करने के लिए बटर यूज़ करना है एंड उसको स्लो फ्लेम पर हल्के हल्के प्रेस करके ग्रिल करना होगा। सो इससे रोटी प्रॉपर क्रंची हो जाएगी एंड चीज़ भी प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, अदरवाइज चीज़ मेल्ट होकर रोटी से बाहर निकल जाता है। अब हम फ्रूट वाले के लिए सेम तवे पर ग्रिल करेंगे एंड इसके लिए हमें बटर या ऑयल की नीड नहीं है बिकॉज तवा ऑलरेडी ऑयली है एंड फ्रूट वाले के लिए इनफ है। एंड इसको ग्रिल करते टाइम पे हमें हल्के हल्के प्रेस करना है और फ्लेम स्लो ही रखनी है। मैंने ये रैप फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के यहाँ टेस्ट किए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। नाउ हम अपने वाले टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने हैं। एंड आपने भी कभी ये खाया है या किसी के लिए बनाया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड सब्सक्राइब तो बिना कहे ही करके जाएं। थैंक यू।